SIP का चक्कर है ना, वो बहुत फ्रॉड है एक तरह से। अगर एक आदमी 10,000 रुपये पर मंथ डालता है फिक्स्ड SIP और वो 20 साल तक चलाता है, ही गेट्स 12% रेट बिकॉज लॉन्ग टर्म निफ्टी में 12% रिटर्न होती है। दूसरा बंदा है जो 10,000 रुपये पर साल का डालता है, वो डालता है बॉन्ड फंड में जिसमें सिर्फ 8% मिलते हैं और वो रखता है 20 साल, बट उसका एक ही डिफरेंस है, हर साल 10,000 इंक्रीजेस बाय 10%। एब्सोल्यूट वैल्यू एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, पर्सन बी इज हायर। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इज इट इज सो नॉन इंट्यूटिव कि यू डोंट हैव टू चेज द रिटर्न, आप बढ़ा दो अपनी इन्वेस्टमेंट। लोग सोचना नहीं चाहते इस डायरेक्शन में, इनकम बढ़ते से ही आपने खर्चे भी बढ़ा लिया, ये आपको करना याद रह गया। करेक्ट है ना, बट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना क्यों याद नहीं रहा? और इस वजह से लोग वो कंपाउंडिंग वाले कैलकुलेटर्स होते हैं ना इंटरनेट पे, उनको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं जबरदस्ती कि मैं अमाउंट तो छोटा सा डालूंगा, पीरियड भी कम कर देता हूँ, चलो 20 साल में 10 साल में कंपाउंडिंग करते हैं, अब वो करोड़ों रुपए का नंबर अचीव करने के लिए मेरे को बस 18% ही तो चाहिए रिटर्न। कैलकुलेटर में 12% से आगे जाने के लिए दे शुड चार्ज 10 रुपए डाल, मैं फिर तेरे को जाने दूंगा आगे।